नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी जान गुरुद्वार। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसे बेहतरीन मंदिर के बारे में जानकारी, जिसके बारे में जानकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दीवा माता मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, इसकी एक छोटी सी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी और कहानी सुनने के बाद आप माता के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ रोशलन दीवा मंदिर की अद्भुत महिमा है। पौड़ी के पट्टी किमगढ़ी गढ़ पोखड़ा ब्लॉक के झलपड़ी गांव के ऊपर घने जंगल से होते हुए रोशलन दीवा मंदिर पड़ता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पौड़ी ज़िले के कोटद्वार शहर पहुँचना होगा। कोटद्वार से निकलते हुए आपको अब सतपुली बाज़ार पहुँचना होगा। इसके लिए बस और टैक्सी दोनों मिल जाती है। रास्ते में गुमखाल लैंसडाउन छावनी के मनमोहक रास्तों से गुजरना होता है। दोस्तों, इसके अलावा ऋषिकेश की ओर से आने वाला रास्ता जो देवप्रयाग होते हुए सतपुली पहुंचता है, ये रास्ता तब के लिए है जब आप ऋषिकेश से ऊपर की ओर आ रहे होंगे। सतपुली से आपको चौबटा खाल गवानी आना पड़ता है, जहाँ से झालपड़ी गाँव नज़दीक पड़ता है। झालपड़ी गाँव से रास्ता यह करीब 15 किलोमीटर दूरी पर है। झालपड़ी गांव से रास्ता जंगल के रास्ते होकर दुर्गम पहाड़ी से होकर माता के मंदिर पहुंचता है। जीवन का यह पल यादगार होता है। लोग यहां का सफ़र रात में करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहां से सूर्य भगवान के अद्भुत अकल्पनीय दर्शन होते हैं। दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में धुमाकोट बीरोखाल नेशनल हाईवे 121 मोटर मार्ग से 4 किलोमीटर दूरी पर दीवा डांडा ऊंची चोटी पर यह वह जगह है जहां पहुंचकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहां का इतिहास बहुत ही आश्चर्यजनक है। समुद्र तल से लगभग 2520 मीटर है। दीवा ने इस स्थान पर तब अवतार लिया जब गोरखाओं ने पट्टी खाटली पर आक्रमण किया था। माता दीवा ने यहां के सबसे पहले पुजारी के सपने में दर्शन दिए और अपना यह स्थान बताया। इसी स्थान पर उन्होंने इनकी स्थापना कर दी। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह मार्ग सीधा नहीं बल्कि काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी गुफा से होकर उन्हें तय करना था। आज भी जिस स्थान पर माता की मूर्ति स्थापित है, उस स्थान के नीचे गुफा है, किंतु अब वह पूर्ण रूप से ढक चुकी है। दोस्तों, इस जगह पर सुबह के 4 बजे सूर्योदय के दर्शन होते हैं। हिमालय और कैलाश पर्वत के बीच से जब सूरज निकलता है तो वह 3 रंगों में अपना स्वरूप बदलता है। भगवान सूर्य का यह रूप अनोखा होता है, जिसमें पहले लाल रंग, फिर केसरिया और अंत में चमकीले सुनहरे रंग आता है। दोस्तों, भगवान सूर्य के इस विलक्षण रूप को देखने के लिए लोग यहाँ रात को ही बसेरा लगा देते हैं। इतना ही नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से रात को यहाँ के जंगलों से आदमी अकेला भी गुजर जाता है। दोस्तों, गाँव से काफ़ी दूर इस मंदिर में गाँव खत्म होते हैं, आदमी को अपनी सुविधा पर जाना होता है। लोग यहाँ ऊपरी जगह पर खाने और रहने के इंतजाम के साथ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मई और जून के महीने में जाना उचित माना जाता है। इन महीनों में भी यहाँ पर बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए अपने साथ कंबल और गर्म कपड़े अवश्य अपने साथ लेकर जरूर जाएं। दोस्तों, माता के मंदिर की लोग पूजा अर्चना करते हैं और नारियल और गुड़ यहाँ का प्रसाद होता है। माता के मंदिर में रसूली नाम के वृक्ष के पत्ते भी प्रसाद लेना शुभ माना जाता है। लेकिन इस पेड़ को लेकर एक मान्यता है कि इस पेड़ पर कभी हथियार नहीं चलाया जाता है, इसलिए लोग इस पेड़ की पत्तियों को हाथ से तोड़कर माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, मान्यता यह भी है कि जब बहुत साल पहले गढ़वाल पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ था तो माँ ने अपने भक्तों को आवाज़ लगाकर सचेत किया था। कहा यह भी जाता है कि गोरखा इस मंदिर से वापस लौट गए थे। उस समय में माता ने गोरखाओं को वापस जाने के लिए कहा था। धारणाओं के मुताबिक गुत्तू घनसाली के भोटिया और मरचिया जनजाति के लोग यहाँ माँ दीवा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें भोटिया जनजाति के लोग बकरियाँ चराने जब यहाँ आते हैं तो माता का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं, क्योंकि जंगलों में रहकर वो माँ के नाम का सुमिरन करते हैं, जिसकी वजह से रात रात जंगलों में वो सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा पत्थर था कि उसे जिस दिशा की तरफ घुमाया जाता था उसी दिशा में बारिश होने लगती थी, और इस स्थान का यहाँ की भाषा में नाम धवड़िया यानी कि आवाज़ लगाना कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर दीवा माँ भक्तों को सफ़ेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन दे चुकी है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के आसपास के पेड़ मात्र भंडारी जाति के लोग ही काट सकते हैं,
यदि कोई दूसरी जाति का शख्स पेड़ों को काटता है तो उनमें से खून निकलता है। जी दोस्तों, दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो और माँ दीबा माता मंदिर की ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। माँ देवी की कृपा सब पर बनी रहे, यही मनोकामना हम करते हैं। जय दीबा माँ मंदिर।